अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं बहावलपुर में, सबसे खूबसूरत जगह जो बहावलपुर की है, इस वक्त पूरी दुनिया में मशहूर भी है और उसके काफ़ी किस्से भी हैं, आपने सुने होंगे। मैं बात कर रहा हूँ नूर महल की। आज हम नूर महल में जा रहे हैं और उसका मैं आपको फुल एक्सप्लोर करके दिखाऊँगा, क्योंकि वो मेरे बहावलपुर का शहर का नूर महल है और मैं काफ़ी अरसे से वैसे जाता रह गया हूँ, कोई 50 दफ़ा मैं उस महल में गया हूँ ऐसे घूमने, क्योंकि मेरे घर के करीब भी है और यहाँ का सबसे खूबसूरत सुकून वाली सबसे बेहतरीन जगह है। तो आए हम चलते हैं और आपको पूरे का पूरा नूर महल दिखाते हैं। दिखा दें कार्ड, ये। अच्छा, अब ये नवाब साहब के पास वापस आ गई है ना जगह, ये अब आर्मी के कंट्रोल में तो नहीं है? नहीं, ये आर्मी के पास है, अभी भी आर्मी के पास है। तो सुन रहे थे जी, अब्बासी साहब ने वापस ले लिया। नहीं, वो ऐसे ही। ठीक है, थैंक यू। फाइनली हम पहुंच गए हैं इधर नूर महल में। तो नूर महल का ये पार्किंग है जहाँ पर आकर आप अपनी गाड़ी बाइक वगैरह पार्क कर सकते हैं। सामने इन्होंने ग्राउंड बनाया जहाँ पर वॉक की जाती है और झूले वगैरह लगाए हैं बच्चों के लिए, जहाँ पर लोग शाम को आते हैं। तो आइए जी, अब हम लेते हैं जी यहाँ से टिकट। अस्सलाम वालेकुम। फाइनली जी टिकट हमने ले ली है। टिकट हमें मिली है जी 150 रुपीज़ की। वेलकम नूर महल बहावलपुर, 150 वन पर्सन CVMM, पता नहीं आगे इनका अपना कुछ लिखा हुआ है। देखिए जी, कितना खूबसूरत महल बना हुआ है और इसके चारों तरफ ग्राउंड है और इसको वेल मेंटेन करके रखा हुआ है, साफ़ सुथरा रखा हुआ है। और हम पहले लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, इसका आपको फ्रंट से फुल व्यू दिखाएंगे, उसके बाद हम कुछ हिस्ट्री वगैरह इसकी जिस टाइप की बता के फिर मैं आपको इसका अंदर से फुल दिखाऊँगा कि जी। हम नूर महल में इंटर हो चुके हैं। नूर महल आपको बिल्कुल बैक साइड पे देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। इसका बता जाऊँ, ये 1872 में नवाब फोर्ट जो थे उन्होंने इसको तामीर करवाया, इसे बनवाया और ये 3 सालों में जाकर तकरीबन 3 सालों में मुकम्मल हो गया और जो कि 1875 में ये कंप्लीट हो गया था। तो इसकी काफ़ी सारी स्टोरीज़ बताई जाती हैं कि यहाँ पर मलका रहने के लिए आई थी तो एक रात रही थी फिर चली गई थी। रीज़न ये था कि इसी के बिल्कुल सामने कब्रिस्तान, तो उस वजह से यहाँ पर वो रात को नहीं रही थी कि मैं सुबह उठकर अगर बालकनी से बाहर आऊँ तो मुझे सामने कब्रिस्तान नज़र आए। एक ये कहा जाता है कि ये नवाब साहब ने बहावलपुर में जो बाहर से आया करते थे, ताजिर आया करते थे या मेहमान आया करते थे, तो बहावलपुर में रहने के लिए उनके लिए ये महल तैयार करवाया गया था। तो आइए चलते हैं, हम अंदर चलते हैं और अंदर जाकर मैं आपको इसका फुल नज़ारा दिखाता हूँ। ये जितना बाहर से खूबसूरत है ना, उससे डबल अंदर से खूबसूरत है। के अंदर जा रहे हैं, नूर महल के फ्रंट पे जो इसका मेन डोर है, इसके राइट साइड पे भी है और लेफ्ट साइड पर भी जो मेन डोर है, इन्होंने वो बिल्कुल बंद किया हुआ है। उसकी वजह है टूरिस्ट को यहाँ से राइट साइड से इंटर किया जाता है और ये लेफ़्ट साइड से जो है यहाँ से एग्ज़िट होता है, और एग्ज़िट के बिल्कुल साथ इनकी जो रवायती चीज़ें हैं या जो हैंडीक्राफ्ट जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं उन वो सारी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं सकाफ़त भावलपुर की, तो यहाँ पे इनके पास होती हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो एंट्री जी हम यहाँ से करेंगे, जो हमने टिकट ली थी बाहर वो यहाँ पर इधर देनी पड़ेगी।
इंट्रेंस होने से पहले सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का मशरकी तहखाना, जो कि इस टाइम बंद है, रात के टाइम ओपन होगा। जब ये शुरू शुरू में बिल्कुल ही डेवलप नहीं हुआ था, इसके अंदर कोई भी चीज़ इन्होंने नहीं रखी थी जिस तरह से मेंटेनेंस होती है, तो सब लोग यही कहते थे कि ये एक तहखाना था जहाँ पर कैदियों को रखा जाता था। लेकिन हकीकत में इसके राइट टू लेफ्ट साइड पे जो तहखाने, ये मुलाजमीन के लिए हुआ करते थे, जैसे नवाब साहब के शेफ हो गए या इनके सिक्योरिटीज़ हो गई, और इस हिसाब से जितने भी मुलाजिम होते थे महल के, तो यहाँ पर रहा करते थे। इसके राइट और लेफ्ट पे अलग अलग तहखाने बनाए गए थे जिसमें लेडीज़ अलग रहा करते थे और जेंट्स का अलग साइड हुआ करती थी। नूर महल में दाखिल होते ही हमें बहुत खूबसूरत सा इंटीरियर नज़र आता है, क्योंकि एक शाही महल है और पूरी रियासत का सबसे खूबसूरत महल नूर महल को कहा जाता है। यहाँ पर वॉल्स लगाई गई हैं जिन पर नवाबों की तस्वीरें, नवाबों की हिस्ट्रीज़ वगैरह सब कुछ इसमें दिखाई गई हैं। इसके अलावा इस नूर महल के काफ़ी सारे रूम्स हैं, काफ़ी सारे एरिया है जो कि क्लोज़ किया गया है, सिर्फ मेन मेन जगह है जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन किया गया और वहाँ पर इन्होंने सेटिंग की है। इस हॉल में इंटर होते ही यहाँ पर LED प्रोजेक्टर के साथ आपको इसकी हिस्ट्री बताई जाती है, जबकि ये सामने जो फ्रेम लगा हुआ है इसमें जो पास्ट था, जो कि नूर महल ओल्ड जैसे दिखाई देता था, वो आपको दिखाया। इसके साथ ही ये जो फ्रेम है इसमें जो अभी इन्होंने रेनोवेशन के बाद इन्होंने फ्रेम लगाई है, ये उसी में सारी तस्वीरें वगैरह जो अब न्यू हम देख रहे हैं, ये सारा रेनोवेशन किया है इन्होंने, उसको मज़ीद अपग्रेड करके ये सामने हॉल में हम इंटर हो जाते हैं। हॉल में ये इसके चारों तरफ गैलरी है जहाँ पर नवाब साहब की तस्वीरें वगैरह लगी हुई हैं, मतलब इस रियासत के जो शुरू से नवाब थे तो उन सब की तस्वीरें लगी हुई हैं। इस हॉल में नवाब साहब का सामने तख्त वगैरह होता था जो कि अब मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर बैठ के नवाब साहब और उनके जो मेहमान आते थे वो बातचीत किया करते थे, और यहाँ के जो मामलात होते थे वो यहाँ पर